हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूल कोइंस के बारे में बहुत से लोगों को पता होगा म्यूल कोइन क्या होता है जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा बता देता हूं जैसे आपने कहावतों सुनी होगी सिक्के के दो पहलू होते हैं ठीक है वो दो पहलू कौन से होते हैं ये देखिए जैसे ये पाँच रुपये का कॉइन है ये इसकी एक साइड है ये इसकी दूसरी साइड है ये इसकी अपवर्स साइड है ये इसकी रिवर्स साइड है तो ये हो गए सिक्के के दो पहलू अब बात करते हैं म्यूल कॉइन होता क्या है म्यूल कॉइन होता है जैसे एक कॉइन की डाई किसी दूसरी कॉइन की डाई पे छप जाती है उसको बोलते हैं म्यूल कॉइन अब देखिए सबसे पहले छपते कैसे कॉइन थोड़ा सा बता देता हूँ आपको सबसे पहले कॉइन देखिए इस कंडीशन में होता है इसको बोलते हैं प्लेन चट ये कॉइन होता है प्लेन दोनों साइड से ये ऐसे कॉइन मशीन में जाते हैं तो इस पर डाई स्ट्रक होती है हर कोइन को बनाने के लिए एक डाई बनती है ठीक है उस डाई से जो स्ट्रक होकर आगे कॉइन्स बनते हैं तो चलिए देखते हैं म्यूल क्या होता है तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये इंदिरा गांधी का फिफ्टी पैसा का कोईन है नाइनटीन में रिलीज़ हुआ था ये देखिए आप इसका बॉर्डर देख पा रहे हैं ये डॉटेड बॉर्डर है सारा ठीक है जी ये इसकी दूसरी साइड आपको मैं दिखा देता हूँ इस पे भी जैसे आप देख पा रहे हैं ये सारा डॉटेड बॉर्डर है थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ ये देखिए ये तो है नॉर्मल कॉइन ठीक है अभी बताता हूँ आपको म्यूल कॉइन क्या है ये देखिए ये सेम यही है यही कॉइन है इंदिरा गांधी का फिफ्टी पैसा का ही ये देखिए ये वर्स साइड इसकी जो है उस पर डॉटेड बॉर्डर है ये तो ओके है ठीक तो है अब ये देखते हैं रिवर्स साइड अब रिवर्स साइड पे देखिए आप डॉटेड बॉर्डर मिसिंग है जैसा कि आपने नॉर्मल कोइन में देखिए देखा था नॉर्मल कॉइन में जैसे आपने देखा था इस पर डॉटेड बॉर्डर है प्रेजेंट है तो इस पर जो है डॉटेड बॉर्डर मिसिंग है तो इसको बोलते हैं म्यूल कॉइन तो अब ये देखते हैं अब ये म्यूल कॉइन बना कैसे तो बताता हूँ आपको बना कैसे ये देखिए ये नेक्स्ट कॉइन है फिशरीज ये 1986 में बना है तो इस पर भी आप जैसे देख पा रहे हैं इस पर कोई बॉर्डर नहीं है ये प्लेन है इसका भी आप बॉर्डर दूसरी साइड भी देख पा रहे हैं ये भी प्लेन साइड है ये तो है नॉर्मल कॉइन अब इसमें भी आता है म्यूल कॉइन जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं तो इसमें क्या है इसमें ये वाली साइड पे डॉटेड बॉर्डर आता है तो अब हुआ क्या था ये जो इंदिरा गांधी का कॉइन है फिफ्टी पैसे वाला इसकी जो रिवर्स साइड है इसकी जो रिवर्स साइड की डाई है वो प्रिंटेड हो गई है इसकी रिवर्स साइड पे फिशरीज की और जो फिशरीज की रिवर्स साइड है वो प्रिंट हो गई थी इंदिरा गांधी वाले फिफ्टी पैसा कॉइन पे ये देखिए ये देखिए ये फिशरीज़ वाले की डाई प्रिंटेड हो गई इंदिरा गांधी वाले कॉइन पे और जो इंदिरा गांधी वाले के नॉर्मल कॉइन की डाई थी डॉटेड वो प्रिंटेड हो गई है फिशरीज़ वाले में जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं तो ये है म्यूल कॉइन इसको बोलते हैं जो एक कॉइन की डाई जब किसी दूसरे कॉइन पे प्रिंट हो जाती है तो वो बन जाता है म्यूल कॉइन तो इसका प्राइस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ये जो इंदिरा गांधी का आपको यू कंडीशन में आपके पास अगर म्यूल कोइन है तो वो पाँच से सात सौ उसकी आज की डेट में कीमत है और अगर फ़िशरीज़ की बात करें तो ये कम आता है ये थोड़ा ज़्यादा रेयर कैटेगरी में आता है तो इसका प्राइस जो है यूएनसी कंडीशन में म्यूल कॉइन का 2000 से 2500 रुपए के बीच में है तो अगर आपके पास भी ऐसे कॉइन्ज़ हैं तो आप भी चेक कर सकते हैं अगर उन पर भी ऐसा बॉर्डर है फ़िशरीज़ पे डॉटेड बॉर्डर रिवर साइड पे तो वो आपका रेयर कॉइन गिना जाएगा तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहें तब तक के लिए धन्यवाद